वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ कुर्ती के लिए तीन बहुत ही खूबसूरत से स्टाइल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और हेयर फॉल की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने कल की वीडियो में हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताया है और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको मेडिकल स्टोर से खरीदनी है, क्या है वो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सॉरी वीडियो में जाके देख लीजिए और आपको 100% इफेक्टिव होगा। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम क्या ये चीज़ डायरेक्ट स्कैल्प पे अप्लाई करने से स्कैल्प पे डायरेक्ट वो चीज़ क्या है, ग्लिसरीन थी, ग्लिसरीन को कैसे अप्लाई करना है सब कुछ वीडियो में डिटेल में दिया हुआ है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ज़्यादा मात्रा कम मात्रा नहीं करना, जितना मैंने बताया है एग्जैक्ट उतना ही यूज़ करना है। गाइस, ग्लिसरीन गर्मी होती है और उन्होंने पूछा भी है कि गर्मियों में ग्लिसरीन डायरेक्ट स्कैल्प पे जाएगा तो नुकसान तो नहीं करेगा, तो डियर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे अपने स्कैल्प पे तो वो गर्मी की वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ा सकता है। एंड आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो भी नुकसान कर सकता है, तो आप बहुत कम लीजिए, 2-4 बूंद 10 बूंद से ज़्यादा नहीं लेना है, 2-4 बूंद कम कर दीजिएगा। आपको ऐसा डर लग रहा है तो आपको इफेक्टिव मिले तो आप और ज़्यादा बढ़ा के लीजिएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको नुकसान करेगा तो आप ऑयल में छोड़ दीजिए, शैम्पू में ऐड करके उसको यूज़ कीजिएगा तो आपको 100% फ़ायदा करेगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कुर्ती पहनी हुई है तो आपको किस तरीके से हेयर स्टाइल करना चाहिए वो बताने वाली हूँ मैं। अगर आप खुला बाल नहीं रखना चाहते हो तो जैसे फ्रंट के हेयर हमको अक्सर डिस्टर्ब करते हैं तो आप इस तरीके से अपने फ्रंट के हेयर को थोड़ा थोड़ा लेके ऐड करते जाएंगे। और एक जो हम लोग पहले हेयर बैंड चोटी बनाते थे उस टाइप का लुक कुछ देंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं चोटी नहीं बना रही हूँ, सिंपली ट्विस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, चोटी सब लोग से नहीं बन पाती है इस वजह से। तो अगर आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत होती है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से इस तरीके से ट्विस्ट करना है, हेयर को ऊपर की तरफ उठाना है एंड दो बॉबी क्लिप से आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, टिक टैक क्लिप जिस जो भी हो आपके पास आप उससे सिक्योर कर लीजिएगा अपने बालों को। और इस तरीके से क्रॉस करके लगाइएगा क्लिप तो आपका जो हेयर है वो अपनी जगह पे बेटिका रहेगा और आपका हेयर स्टाइल भी ख़राब नहीं होगा। और ये जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं वो हमारे हेयर स्टाइल को अक्सर ख़राब करते हैं, तो आप सेटिंग्स पे लेके इसको सेट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन है। अब आपको अगर खुला नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, सारे बालों को एक साइड पे ले आओगे इस तरीके से। और मेरे बाल यहाँ पे छोटे हैं, अगर आपके लंबे होंगे तो आप इसमें चोटी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ रबर बैंड लगा के बता रही हूँ, छोटे बाल हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और दैट्स इट, हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है और कुर्ती के लिए आप इस तरीके से अपना फर्स्ट हेयर स्टाइल कर सकते हो और अपने लुक आप कंफर्टेबल रख सकते हो और आपका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। लेयर्स निकालना है आपकी चॉइस है, आपको निकालना है तो निकालिए, नहीं निकालना है आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया कुर्ती के लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है, सबसे अच्छी बात की बहुत ईजी है, बहुत आसानी से ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ कुर्ती के लिए। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको साइड पार्टीशन कर लेना है बालों का, साइड पार्टीशन करके इस साइड की बहुत ही इजी है, आसानी से आप कुर्ती के लिए दोनों हेयर स्टाइल बना सकते हो। इस तरीके से टाइटली कॉम कर लेना है बालों को एंड क्लिप लगा लेनी है। इजी तरीके बता रही हूँ क्योंकि कॉलेज वगैरह जाते वक्त हमको बहुत आसान आसान हेयर स्टाइल की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरीके से कर लोगे, क्लिप लगा लोगे। ओपन रखना है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, अपने ऑफिस जाने के लिए आप रेडी हो या फिर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के लिए रेडी हो, लेकिन ओपन नहीं छोड़ना है। आप कंफर्टेबल लुक चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ से इस तरीके से बालों को एक साइड पर ले कर आना है, एक साइड पर ला के। अगर आपके बाल लंबे हैं तो बहुत बढ़िया, छोटे हैं तो भी आप ये बना सकते हो, इस तरीके से लेना है देन इनमें सिंपल सी चोटी बना देनी है आपको। ओके,
छोटे बाल हैं तो बस एक दो बाल इस तरीके से गूंथ के छोड़ देना है, एंड लंबे हैं तो आप लंबी छोटी बनाओगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका लुक जो है वो। और ये जो हेयर स्टाइल है ये लंबे फेस के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है, एंड इस तरीके से अपनी जो छोटी बनाई हुई है उसको खींचेंगे ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल का लुक है वो काफ़ी, जो हमारा हेयर है बहुत पतला ना दिखे। और दैट्स इट। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको ये हेयर स्टाइल हेयर आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बैक में ले जाके यहाँ पे एक पिन लगा सकते हो, और अगर खुला रखना है तो आप इस तरीके से रख दोगे तो ये लॉन्ग फेस पे भी जाएगा और काफ़ी अच्छा है कुर्ती ड्रेस के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से पीछे भी कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया कुर्ती ड्रेस के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में हम लोग यहाँ पे सेंटर पार्टीशन करेंगे, एंड आपको साइड से इस तरीके से हेयर को लेना है और ट्विस्ट करना है, सिंपली ट्विस्ट करके हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे ताकि फ्रंट के हेयर में थोड़ा वॉल्यूम ऐड हो जाए, एंड क्लिप की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ये वाला हेयर स्टाइल आप साड़ी के साथ भी कर सकते हैं, वो अच्छे से सेट नहीं हुआ था तो इसको दोबारा से ओपन करके दोबारा से जैसे हमने फर्स्ट साइड में बनाया वैसे ही बना लेना है। थोड़ा सा हेयर को लेना है साइड से एंड आगे की तरफ पुल करना है जिससे कि वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, एंड क्लिप की मदद से इसको भी सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। एंड बैक साइड से अभी इसमें हम लोग ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। लेयर्स जो निकालनी है वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ओके, अब बैक साइड से घूम के आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो, ओपन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो ओपन भी रख सकते हो, लेकिन अगर चोटी बनानी है, लंबे बाल हैं तो चोटी बनाएगा बहुत प्यारा लगेगा। थोड़े थोड़े हेयर लेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्रेंच ब्राइड जो बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़े थोड़े हेयर इसके साथ ऐड करते जाएंगे। ओके, दोनों साइड से, और काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी के साथ ये हेयर स्टाइल, न्यूली मैरिड हो तो काफ़ी अच्छा लुक दे देगा आपके लुक को ये हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते हुए एंड तक हम लोग ब्रेड को बनाएंगे। ओके, और जहाँ पे हमारा हेयर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे छोटे हैं, आपके लंबे हैं तो आप एंड तक गूँथ सकते हो, बट मेरे छोटे हैं तो मैंने इतना सा ही गूँथ के यहाँ पे रबड़ बैंड लगा लिया है। इस तरीके का कोई रबड़ बैंड हो तो आप ऐड कीजिएगा, बहुत प्यारा लगेगा आपके ड्रेस से मैच होता हुआ। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है रबड़ बैंड का, तो इसको आप अच्छे से सीधा कर लीजिएगा। खुद से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा थोड़ा हेयर को खींचेंगे और काफ़ी अच्छा सा लुक हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा हेयर स्टाइल का। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो ये है थर्ड हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कौन सा हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल वीडियोस के साथ। और हेयर फॉल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहूँ आप लोग के लिए। और सेकेंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है, उस पर मैं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप की जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, फाउंडेशन खरीदते समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप अपना सही शेड कैसे पहचान सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेकअप में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आप मेरे उस चैनल पर जाके सही डिसीजन ले सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी रहेगा वो चैनल भी आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।